23 मई का गुना ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बेसब्री का आलम यह था कि सोशल मीडिया पर केवल चुनाव चुनाव और सिर्फ चुनाव। जब से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, सर्वे सामने आया, तभी से सभी लोगों ने छींटाकशी शुरू कर दी थी। एग्जिट पोल के नतीजों में पहले ही बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए एक लंबे अंतराल से लंबे वोटों की गिनती के साथ लंबी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार कर पाएगी। जैसे ही आज सुबह का सूरज उगा, लोगों की नज़रें सबसे पहले टीवी पर दौड़ी, साथ ही इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। सुबह से ही लोगों की नज़रों केवल यही ढूंढ रही थी कि कौन सी सीट से कौन सा प्रत्याशी खड़ा हुआ है जो जीत गया है। वहीं देखा जाए तो लगातार सुबह से ही परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आते नजर आ रहे थे। इस तरह से अगर हम बात करते हैं गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र की, जहां पिछले 40 सालों में केवल सिंधिया राजघराने का वर्चस्व कायम रहा है, वह भी आज ढह गया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर केपी यादव, जो कि पहले कांग्रेस से थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया, जिसके बाद लोकसभा का टिकट दिए जाने पे आज एक बड़ा जीत उन्होंने हासिल की है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सिंधिया राजघराने के अलावा गुना लोकसभा क्षेत्र से कोई जीत पाया है, वह भी वह कार्यकर्ता जो पहले सिंधिया के साथ में हुआ करता था। साथ ही बता दें कि शुरुआती दौर में डॉक्टर केपी यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत करी थी कि शिवपुरी और गुना कलेक्टर उन्हें सहयोग नहीं दे रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अभी तक मुंगावली के 4 राउंड हो चुके हैं, सभी जगह के 4-4-5 राउंड हो गए हैं, पर गुना का सिर्फ 1 राउंड हुआ है। अभी तक वहाँ के 2nd राउंड का भी यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। कलेक्टर मैडम 1 घंटे से गायब हैं। गुना के जो कलेक्टर हैं लक्ष्यकार जी, उनकी मैं पहले भी शिकायत कर चुका हूँ कि वो पार्शियलिटी कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग में भी दिया था, वहाँ का गुना का अभी तक 2nd राउंड भी मुझे नहीं बताया गया है। पहला राउंड जो बताया था उसमें बहुत अच्छी बढ़त है गुना में, मुझे मिले हैं 5,746 और सिंधिया जी को मिले हैं 1,504, लेकिन तब से जो है 4-4-5-5 राउंड सभी जगह के हो गए, लेकिन गुना का पूरा रोक के रखा है इन्होंने। क्या कारण है मुझे समझ नहीं आ रहा। कलेक्टर मैडम से बार बार पूछा तो वो उठ के चली गई है, 1 घंटे से कलेक्टर मैडम भी वहाँ नहीं है। आपने प्रेक्षक के साथ एडीएम जी बैठे हैं, वो कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। प्रेक्षक को बताया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि ये लोग बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। आपने प्रेक्षक को बताया, प्रेक्षक जो अंदर है मैं बोल रहा हूँ, पर वो कह रहे हैं 2 मिनट में आ रहा है, 2 मिनट में आ रहा है, ठीक है। और अभी तक गुना के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा, पहले भी कर चुका हूँ मैं, अभी फिर से कर। अभी बिल्कुल मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ, आपको ही बताने आया हूँ, और मैं निर्वाचन में भी शिकायत करने वाला हूँ, क्योंकि उन कलेक्टर साहब की मैं पहले भी शिकायत कर चुका हूँ कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। ये आपको गलत जानकारी। इसके बाद चुनाव आयोग ने उन पर कड़ी आपत्ति दर्ज करी। इसके साथ ही जब नतीजे सामने आए तो लोगों में उत्साह बढ़ने लगा। वहीं देखा गया कि कांग्रेस शासित श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, जिन्होंने अपने घर के बाहर एलसीडी स्क्रीन लगाई थी जिससे लोग चुनाव का अंतिम रुझान देख सकें, कौन कितने वोटों से जीत सका है वो देख सकें, वहां भी लोग नहीं देखे गए, कुर्सियां खाली ही रहीं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने मतगणना स्थल पर जो कुर्सियां लगाई थी, जो स्क्रीन लगाई थी, वहां पर भी खासी भीड़ देखी नहीं गई। लग रहा था मानो सभी लोगों को रुझान पहले से ही अपने दिमाग में क्लियर है। वहीं लोगों का मत जानते तो लोगों का ये था कि इस बार मोदी लहर इतनी सक्रिय है कि उसको लहर ना कहते हुए सुनामी ही कहा जाएगा। तो केवल 1 सीट मध्य प्रदेश में नकुल कमलनाथ जो कि जीत के लाए हैं छिंदवाड़ा की, उसके अलावा बाकी सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही हैं। चुनाव नतीजे जिस तरह से आए हैं उस तरह से लग रहा है कि शायद देश की जनता को केवल मोदी ही प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए थे, क्योंकि जहां भी वोट डले हैं वो केवल मोदी के नाम से डले हैं। लोगों ने वोट किसी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार या पार्टी को नहीं दिए, उन्होंने यह कहकर वोट दिया कि हम मोदी के लिए वोट करने जा रहे हैं। सुबह से ही जब से रुझान सामने आए थे लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं जैसे ही पता चला कि गुना की जनता जिसने जिताया है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर केपी यादव को, वो भी 1,20,000 मतों से ऊपर,
जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी जो पिछली जीत दर्ज कराई थी वह भी महज 1,20,000 मतों की थी, लेकिन इस बार डॉक्टर केपी यादव ने तो सारे ही किले फतेह कर लिए हैं। बल्कि मोदी लहर नहीं सुनामी की तरह से उन्हें पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा दिखा दिया है। अभी हालांकि चुनाव परिणाम डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने खुशियां मनाना शुरू कर दिया है। डॉक्टर केपी यादव के पक्ष में अभी नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा ने फटाके फोड़े, साथ ही उन्होंने इस जीत का सहरा टेकरी सरकार को दिया। वहीं सलूजा ने यह भी कहा कि टेकरी सरकार पर जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और कांग्रेसी सरकार ने शिकंजा कसने की कोशिश की, ये हार उसी का नतीजा है। इस बात में कितनी सच्चाई और कितना नहीं ये हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन राजेंद्र सलूजा जो कि नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष हैं, उनका ये मानना है कि टेकरी सरकार की वजह से सिंधिया ने अपनी सीट को गंवाना पड़ा। पहले तो तुम देश की बात करें, देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीब का इलाज, गरीब को घर झोपड़ी को मकान दिया, गैस का कनेक्शन दिया, 5 लाख रुपए इलाज के लिए दिए, और देश की सुरक्षा की चिंता अगर किसी ने की तो मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। अब आप गुना की बात कर लें, गुना तो चुनाव हारना था सिंधिया जी को, उनके जितने फॉलोअर हैं वो 4 महीने जब से सरकार आई है, एक तो किसानों को झूठा 2 लाख रुपए कर्जा माफ़ करेंगे, कर्जा माफ़ नहीं हुआ, बिजली चली गई, लाइटन युग आ गया, और गुना संसदीय क्षेत्र का तो इतिहास रचा जाना ही था, क्योंकि हनुमान जी टेकरी सरकार की जाँचें करा रहे थे पूरे कांग्रेस के मित्र, और मैंने सिंधिया जी को खबर भेजी थी कि सिंधिया जी टेकरी की जांचें ना कराएं, आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो नहीं माने। टेकरी सरकार ने उनको संसदीय क्षेत्र से 1.5 लाख वोटों से हराकर ग्वालियर भेज दिया, और आगे भी अगर ये स्थिति रही, टेकरी सरकार बख्शने वाले नहीं है। एक प्रभु के कार्य को रोकने के लिए सिंधिया जी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने पूरी चिंता की, 4 महीने से कलेक्टर से नोटिस दिलाना, ये जाँच कराना, आज उन्हें पता लग जाएगा कि हनुमान जी कितने ताकतवर हैं। ऐसा घोटा पड़ा है कि 1.5 लाख से चुनाव हार कर ग्वालियर चले गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि सिंधिया परिवार चुनाव नहीं जीता है, इसको आप किस तरह से लेते हैं? विकास नहीं किया, विकास मोदी जी और शिवराज जी ने करा। आप गुना का नक्शा बदल दिया, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रुपए देकर हमने पार्क बनाए, हमने सड़कें बनाई। सीपरी की हालत देख लें, कैसी हालत है सीपरी की, इन्होंने विकास नहीं किया, ये सिर्फ नारियल फोड़ने आते थे, फीता काटते थे। विकास पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी के पैसे से हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और जब से सरकार गई है नगरपालिका में एक पैसा नहीं आया। अब हमारे सांसद जी को बधाई देता हूं मैं, केपी यादव जी को, आने वाले कल में पूरी संसदीय क्षेत्र का एक मैप बनाएंगे और पूरी संसदीय क्षेत्र को चमन करेंगे, और टेकरी सरकार के जो कार्य 4 महीने से रोके गए उसको भी आगे बढ़ाएंगे। कार्यकर्ताओं की मेहनत आपके सामने, संगठन का एक एक कार्यकर्ता इस जीत में शामिल है। अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरे देश में संगठन काम कर रहा था, गुना में गजन सिकरवार जी के नेतृत्व में काम कर रहा था। हमारा कार्यकर्ता भगवान है, हमारा कार्यकर्ता पूंजी है, और हमारे शहर की शानदार जनता भगवान है। उनने आज 52,000 वोटों से सिंधिया जी को हरा कर भेज दिया कि बातों से काम नहीं होगा, विकास करना पड़ेगी। हमने विकास किया है, विकास से चुनाव जीते। कहां तक ऐसा लगता है कि इनका सिर्फ एक ईगो था, एक सामंतवादी बुद्धि, इस वजह से इनको हार का सामना करना पड़ा? सामंतवादी वाली बात नहीं है, सिर्फ 4 महीने से एक ही काम बचा था कि विकास नहीं, सिर्फ टेकरी की जांच कराना एक उद्देश्य था। टेकरी सरकार ने हराया है सिंधिया जी को, और आगे भी यही स्थिति रही तो कभी सिंधिया जी चुनाव इस संसदीय क्षेत्र से नहीं जीत पाएंगे। किसका श्रेय देना, किसको देना चाहेंगे? मैं तो टेकरी सरकार को श्रेय दूंगा हनुमान जी को, जिन्होंने उनको चुनाव हराकर ग्वालियर भेज दिया। कार्यकर्ता तो भगवान है, अगर हनुमान जी नहीं होंगे तो कार्यकर्ता भी नहीं होगा और देश भी नहीं होगा। पहले भगवान है, उसके बाद देश है, और फिर कार्यकर्ता है। एक घंटे बाद करेंगे, थोड़ा अंधेरा हो जाए। ये तो कार्यकर्ताओं की जीत है, और इसमें सारा फैक्टर मोदी का है। लोगों ने मोदी को पसंद किया है, सिंधिया जी को नहीं नकारा उन्होंने, लेकिन मोदी को पसंद किया है।
मेरा अपना मत है कि ये मोदी जी की जीत है, और इसमें ये भी लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी को बधाइयाँ हो, मोदी जी को, कार्यकर्ताओं सबको बधाइयाँ हो, लेकिन गुना में अब जो नए फैक्ट्री में कोई नमक किसी का राजा महाराजा का किसी ने नहीं खाया। सिंधिया जी ने कुछ काम करा है, काफ़ी अच्छे काम करा है, लेकिन मोदी जी के आगे वो काम भी फेल है। मेरा मतलब है कि काम को भी वोट नहीं मिले, मोदी फैक्ट्री इतनी जम के चलाया कि सिंधिया जी के जो काम कराए गए उसको भी लोगों ने नकार दिया गया। तो इसलिए सिंधिया जी का आना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब जो मोदी जी का जो इस समय देश में जो जलजला चल रहा है उसमें लोगों ने केवल मोदी जी देखे हैं, उसमें किसी आम कार्यकर्ता या किसी को नहीं देखा। धन्यवाद सर। लोकतंत्र की जीत है, ना कि सिंधिया जी की जीत है, ना ही उसकी क्या कहते हैं अपने केपी की है, ये सिर्फ लोकतंत्र की जीत है और मोदी सरकार की जीत है। मोदी सरकार के चक्कर में मैंने सभी लोगों से बोला था कि आज सबको पान और मिठाइयाँ मैं अपनी तरफ से फ्री खिलवाऊंगा सभी लोगों को, क्योंकि मेरे अंदर से जीत है, क्योंकि मुझे मोदी सरकार चाहिए और लोकतंत्र की जीत चाहिए। सीधी सी बात, कितने पान खिलाओगे आज पे? जितने भी लोग आएंगे मेरे, सभी आप सभी लोगों, बाकी जितने लोग खड़े हैं सब लोगों को फ्री खिलाऊंगा मैं पान। ये जीत भारत की जनता की और भारत माता की जीत है और मोदी जी की जीत है। किसको श्रेय देंगे आप? इसमें जनता का श्रेय है, पार्टी का नहीं, इसमें भारत माता की और देशवासियों की जीत है। ये जीत भारत माता की जीत है, हिंदुस्तान की जीत है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, जिसके लिए देश की सारी जनता, देश के सारे युवा और देश का हर वर्ग जो भारत को आगे बढ़ाना चाहता है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहता है, जो देश की ख्याति पूरे विश्व में फैलाना चाहता है, ऐसे हर युवा ने मिलकर मोदी जी को जिताया है और हम चाहते हैं ये ऐसे प्रधानमंत्री हमारे साथ हमेशा रहें और हमेशा हमारे देश को आगे बढ़ाते रहें। मेरा यही कहना है कि पहले अंग्रेजों का राज था इस देश पर, आज मुझे पहली बार लग रहा है कि गुना शहर एक गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ हुआ शहर है, ऐसा आज गुना की जनता महसूस कर रही है। समझ भारतवर्ष में राष्ट्रवाद हर आदमी के दिल में, अंतरात्मा में बसा हुआ है, इसके लिए सभी भारतवासियों को बधाइयाँ जो आज उन्होंने राष्ट्र को आगे किया है।